शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को दो बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ बायो मेथेनाइजेशन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सबसे जो प्रमुख प्रोग्राम है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ है। लगभग 237 करोड़ की लागत से बना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है केंद्र सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सुरक्षा योजना के तहत इसमें राशि दी गई थी और इस अस्पताल का निर्माण पूर्ण हुआ है। अभी इसमें चूँकि कोरोना के लिए हम लोग आवश्यकता है, अभी इस अस्पताल का शुभारम्भ कोरोना के मरीजों के हिसाब से कर रहे हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी इक्विपमेंट सब वो बेसिकली जो कोरोना में जो आवश्यक हैं वो कर रहे हैं, और साथ साथ जो सुपर स्पेशलिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको वो भी आते जा रहे हैं सब, उनको भी एक अलग हम लोग फिटिंग्स उसकी होती जाएंगी। पर अभी शुरुआती दौर में एक आध दो महीना इसमें 100 ICU मिलेंगे हम लोगों को, लगभग 300 ऑक्सीजन बेड्स मिलेंगे और 150 आइसोलेशन बेड्स मिलेंगे। इससे जो यहाँ का हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना के ट्रीटमेंट का वो काफ़ी स्ट्रेंथन होगा, इम्प्रूव होगा। वहीं निरीक्षण के बाद इंदौर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सीएम कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का अभिनंदन करेंगे और सीएम करीब 237 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही CNG गैस प्लांट का भूमि पूजन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।